हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज से हम क्लास 3 की आसपास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो जानवर पानी और जमीन दोनों में रहते हैं उन्हें कहते हैं। ए स्थलीय, बी उभयचर, सी जलीय या डी घरेलू। सही जवाब है, उन्हें कहते हैं उभयचर। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चिड़िया, बी मैना, सी उल्लू या डी तोता। सही जवाब है सी उल्लू। अगला प्रश्न है, कौन से जानवर में देखने की क्षमता कम परंतु छूने, सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए कुत्ता, बी चूहा, सी बिल्ली या डी बंदर। सही ऑप्शन है ए कुत्ता। चलिए अब कुछ सवाल पेड़ पौधों से संबंधित हैं। इसमें प्रश्न है, चमेली की डैश होती है ए पौधा, बी बेल, सी पेड़ या डी झाड़ी। इसका सही जवाब है डी झाड़ी। अगला प्रश्न है, गेंदे का डैश होता है ए पौधा, बी बेल, सी पेड़ या डी झाड़ी। इसका सही जवाब है ए पौधा, गेंदे का पौधा होता है। अगला प्रश्न है, मेहंदी की डैश होती है ए पौधा, बी बेल, सी पेड़ या डी झाड़ी। इसका सही जवाब है झाड़ी, मेहंदी की झाड़ी होती है। अगला प्रश्न है, नीम का डैश होता है। ऑप्शंस हैं पौधा, बेल, पेड़ या झाड़ी। तो बच्चों, नीम का पेड़ होता है। अगला प्रश्न है, सरसों पौधे का कौन सा भाग है। आपके ऑप्शंस हैं बीज, फल, फूल या तना। तो बच्चों, सरसों पौधे का बीज है। अगला प्रश्न है, गोभी पौधे का कौन सा भाग है। ऑप्शंस हैं बीज, फल, फूल या पत्ती। तो सही जवाब है फूल, गोभी पौधे का फूल है। अगला सवाल है, प्याज और आलू पौधे का कौन सा भाग है। तना, फल, फूल या जड़ें। प्याज और आलू पौधे का तना होते हैं। गाजर और मूली पौधे का कौन सा भाग है। पत्ते, फल, फूल या जड़ें। गाजर और मूली दोनों ही पौधे की जड़ होती हैं। अगला सवाल है, अदरक पौधे का कौन सा भाग है। ऑप्शन है तना, फल, फूल या जड़ें। तो सही जवाब है तना।